टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेजॉन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस कंपटीशन के लिए अगला टॉपिक बन सकता है। दरअसल कैनेडियन कंपनी टेलीसैट के साथ टाटा ग्रुप के पार्टनरशिप की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक टाटा ग्रुप की नेल्को कंपनी की लाइट स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं को 2024 तक भारत में लाने के लिए टेलीसैट के साथ बातचीत चल रही है। कथित तौर पर दोनों कंपनियों के बीच पार्टनरशिप की बातचीत अंतिम चरण में है। वहीं अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस सर्विस के लिए टेस्टिंग जल्द ही शुरू हो सकते हैं। आपको बता दें कि कनाडा की कंपनी टेलीसैट के पास एक बहुत बड़ा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्लान है। ट्रेडिशनल सैटेलाइट की तुलना में ये सैटेलाइट अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है, जिससे बेहतर नेटवर्क और तेज स्पीड मिलेगी। जिन इलाकों में वायर्ड इंटरनेट सेवाओं का पहुंचना मुश्किल है, वैसी जगहों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं लाइफलाइन का काम कर सकती हैं। वहीं भारत में इलाकों की विविधता को देखते हुए टेलीसैट द्वारा लाइट स्पीड और एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी सेवाओं के प्रमुख कनेक्टिविटी रिसोर्सेज होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि एलन मस्क के स्टारलिंक ब्रॉडबैंड ने अपनी सेवाओं के लिए पहले से ही प्री बुकिंग शुरू कर दी है, जिसके साल 2022 तक लगभग 150 Mbps की औसत कनेक्शन बैंडविड्थ के साथ शुरू होने की उम्मीद है। वहीं भारतीय एयरटेल भी साल 2022 से शुरू करने के लिए वन वेब सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर जोर दे रही है। वहीं जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन भी अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ इस सेगमेंट में प्रवेश कर सकता है। गौरतलब है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर्स में से एक है, जिससे सीमांत क्षेत्रों में ऐसी सेवाओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।